यह चैनल हिंदी और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा इन्हीं विषयों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए जो कोई भी हिंदी और संस्कृत में रुचि रखते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के ठीक सामने आपको जो बेल नज़र आएगी उसको ज़रूर प्रेस करें। उसमें आपसे तीन ऑप्शंस पूछी जाएंगी कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशंस चाहिए या कुछ ही चाहिए। तो यदि आप ऑल पर प्रेस करोगे तो ही आपको मेरे सभी वीडियोस जो हैं समय पर प्राप्त हो पाएंगे। धन्यवाद। नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ 7 सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः इसका हिंदी अनुवाद करवाऊंगी आपको। और बकस्य प्रतिकारः का अर्थ होता है बगुले का बदला। बकस्य कहा है बगुले का, प्रतिकारः कहते हैं बदले को। देखिए इन दोनों, ये एक बगुला था और एक सियार था, इन दोनों की कहानी है। तो इस कहानी में क्या क्या होता है चलिए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। इसका हिंदी अनुवाद में आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए करूंगी। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। च का अर्थ होता है और। एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में, तयोः मतलब उन दोनों में मित्रता थी। आसीत का अर्थ होता है थी। एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत्। एक बार, एकदा अर्थात एक बार सुबह श्रीगालः मतलब गीदड़ या सियार बगुले से बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। कि मित्र, श्वः कहते हैं आने वाले कल को, कि आने वाले कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह, स मतलब वह, भोजन के लिए श्रीगालस्य निवासम अगच्छत्। श्रीगालस्य मतलब सियार के, निवासम मतलब घर गया। अगले दिन वह भोजन करने के लिए सियार के घर चला गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्। अब कुटिल स्वभाव मतलब थोड़े टेढ़े स्वभाव का वह जो श्रीगाल था, श्रीगाल मतलब वह जो सियार था, उसने क्या किया कि स्थाल्यां मतलब थाली में बगुले को क्षीरोदनम मतलब खीर खाने को दे दी। अब यहाँ पर देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हो कि उसने थाली में जो है खाना, भोजन जो है परोस दिया, खुद जो है उसको खाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि बगुला जो है चोंच से जो है खीर को खा पाएगा या नहीं, नहीं खा पाएगा, तो यहाँ पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है बगुले के लिए। तो आगे क्या होता है वो देखिए। बकम अवदत च, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। कि मित्र इस बर्तन में, पात्र कहा जाता है बर्तन को, आवाम हम दोनों अधुना अब सह एव साथ में ही खादावः खाते हैं। कि मित्र अब हम दोनों इस पात्र में मिलकर साथ में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अब भोजन करते हुए बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए, बगुला भला चोंच से थाली में रखा हुआ खाना किस प्रकार से खा सकता है, नहीं खा सकता ना। तो आगे क्या होता है, अतः बकह केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इसलिए बगुले ने केवल उस खीर को देखा, अर्थात बगुला केवल उस खीर को देखता रहा, उस खीर को वो नहीं खा पाया। श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत्।
और जो वो सियार था उसने सारी खीर को खा लिया। श्रीगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। वंचितः कहा जाता है धोखा दिया जाना। अब जब सियार के द्वारा बगुले को धोखा दिया गया तो सियार से धोखा खाने पर वह बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृतः जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है तथा वैसा ही अहम् अपि मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि उसके साथ व्यवहार करूंगा। अब जब सियार से धोखा खाने पर बगुला सोचने लगा कि जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। एवं चिंतयित्वा स श्रीगालम् अवदत्। ऐसा सोचकर वह सियार से बोला, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। तुम भी मेरे साथ कल शाम भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। अब बगुले का भी निमंत्रण मिल गया तो वो जो सियार था वो बहुत प्रसन्न हो गया। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न अर्थात खुश हो गया। यदा श्रीगालः सायंबकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। यदा मतलब जब सियार, सायं कहते हैं शाम के समय को, शाम के समय बगुले के निवास मतलब घर भोजन के लिए अगच्छत मतलब गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। तब बगुले ने, संकीर्ण मुख कहा जाता है तंग मुख वाले कलश में, कलश कहते हैं घड़े को, तंग मुख वाले घड़े में खीर दी। श्रीगालम च अवदत्। और उस सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। हम दोनों, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में सहैव भोजनम कुर्वः साथ ही भोजन कुर्वः मतलब करेंगे। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। अब वो जो बगुला था उसने जो है चोंच से वह खीर खा ली। यहाँ पर देखिए ये तंग मुख वाला जो है घड़ा है इसके अंदर जो है उसने खीर डाल दी और कहा अपने मित्र से कि देखो यहाँ पर मैं भी खीर खा रहा हूँ और तुम भी खीर खाओ, हम दोनों मिलकर जो है इस पात्र से खीर खाएंगे। लेकिन अब क्या इतने तंग मुख वाले में सियार अपना मुख डालकर खाना खा सकता है? नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है, मित्र हम दोनों मिलकर जो है इसमें भोजन करेंगे। बकह कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुले ने कलशात मतलब उस घड़े से, ठीक है, चंचवा मतलब चोंच से क्षीरोदनम अखादत खीर खाई, ठीक है। और क्या हुआ, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार का मुख उस घड़े में प्रवेश नहीं हुआ, मतलब सियार जो है उस घड़े में मुख अपना नहीं डाल सका जिससे वो खाना खा सके। अतः बकह सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः बगुले ने ही सारा खाना, सारा भोजन या सारी खीर खा ली। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत। और जो सियार था वो केवल ईर्ष्या होता है जलन की भावना से देखता रहा क्योंकि वो खा नहीं पा रहा था। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदम्। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा।
मतलब कि अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। मतलब यदि हम किसी से बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें भी बुरा व्यवहार ही झेलना पड़ेगा। इसलिए यदि आप सुख चाहते हो तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म उसके पास लौट कर आता है। अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, यदि आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। इसके साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।